भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का पहला मैच हारने के बाद 0-1 से पिछड़ गई है। पहले मैच में टीम इंडिया को एक पारी और 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बेहद खराब रही, जिसके चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अपना इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो इस मौके को अच्छी से भुना नहीं पाए। इस मैच में प्रसिद्ध की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही और उनको महज एक ही विकेट मिल पाया। मैच में कई बार प्रसिद्ध अपनी लाइन और लेंथ में भटकते हुए नजर आए, जिसके चलते उनको गेंदबाजी में उतनी मदद नहीं मिली। सेंचुरियन टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद अब प्रसिद्ध कृष्णा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कोच और कप्तान पर भी प्रसिद्ध को टीम में शामिल करने को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रसिद्ध को उनकी लंबी हाइट की वजह से पहले टेस्ट में खिलाया गया था, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका के पिचों पर टेस्ट क्रिकेट में अक्सर लंबे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। वनडे और टी20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले मुकेश कुमार को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन पहले मैच में मुकेश कुमार की जगह प्रसिद्ध को मौका दिया गया, जो काफी हद तक गलत भी साबित हुआ। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच केप टाउन में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच अब प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने को लेकर डाउट बना हुआ है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पहले ही टीम में आवेश खान को शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा का पत्ता कट सकता है और उनकी जगह प्लेइंग 11 में आवेश खान को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक टीम या कप्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा के न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।